नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। विकास और किसान, यह दोनों इस देश के बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यूं तो देश आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी उस देश में रह रहे हैं जहाँ विकास कोसों दूर है। विकास की राह पर हमारे नेता मानते हैं कि हम विकास की देश की श्रृंखला में मौजूद है, लेकिन इस देश में अगर पिछला वर्ग यानी कि हमारा किसान, इस किसान पर देश की राजनीति टिकी है, लेकिन किसान नेताओं की केवल वोट बैंक है, जिसके चलते किसानों के साथ देश में केवल धोखा ही हो रहा है। एक तरफ किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों के ही साथ, किसानों के ही मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला है गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में। नाना पटोले किसानों की राजनीति करते हैं, जिसमें उन्होंने हाल ही में किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में किसान बेहाल है। जैसा कि हमारी इस रिपोर्ट में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह भाजपा या कांग्रेस सरकार खुलकर किसानों का समर्थन करती है, लेकिन किसानों की हक की लड़ाई में किसानों का हक देने के लिए आनाकानी करती है। जब किसानों का हक उन्हें देना होता है तो सारे नेता मैदान छोड़ भाग खड़े होते हैं। राजनेता केवल चुनाव में ही किसानों के जुमले बनाकर किसानों को पेश करते हैं, योजनाओं की बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी हक की बात होती है तो उन्हें आतंकी या नक्सली करार दिया जाता है। किसानी के दौरान किसानों को बीज मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें उन्हें बीज कंपनियां धोखा देती है। इसी प्रकार दवाइयां यानी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां भी किसानों को ही धोखा देती है। यह अगर धोखा रुक जाता तो केवल किसान चंद अपने फसल के दाम पा पाता, लेकिन सरकार की ओर से फसल खरीदी सेंटरों पर भी किसानों के साथ केवल और केवल धोखा ही हो रहा है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सरकार ने धान सेंटर खोल रखे हैं, लेकिन इन जगहों भी किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों के धान खरीदी की जा रही है, लेकिन किसानों को बारदाना के भी दाम चुकाने पड़ रहे हैं। और 40 किलो धान के हिसाब से सरकार ने धान लेना चाहिए, लेकिन 42 किलो धान किसान से लिया जा रहा है, लेकिन किसान को 40 किलो का ही पैसा दिया जाएगा। इस संदर्भ में जब हमने आदिवासी विकास महामंडल के जो कि उपविभागीय, उनसे हमने जब पाटिल से संपर्क किया तो उन्होंने जो बताया हुआ है वह भिन्न तौर पर हमें नजर आया। अभी भंडारा आरू के अंतर्गत, रीजनल ऑफिस के अंतर्गत ये नवेगा बांधिक सब रीजनल ऑफिस, इसके अंतर्गत 16 सेंटर की मंजूरी कलेक्टर की तरफ से आई है, और 16 सेंटर में से अभी फिलहाल 9 सेंटर पे खरीदी चल रही है। अच्छा साहब, इनको कितना टका घट दी जाती है? जैसा उन्होंने 100 किलो धान खरीदा है तो उनको कितनी छूट दी जाती है उसमें? अभी तक के केंद्र शासन की तरफ से 1% दी जाती थी और 1% राज्य शासन की तरफ से। अभी राज्य शासन ने उनका 1% कम किया था, उस पर अभी हायर अथॉरिटी के तरफ से चर्चा वगैरह चालू है। अभी वो विषय अन्न नागरिक पुरवठा विभाग की तरफ से हैंडल किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 1% राज्य शासन की तरफ से भी मंजूरी मिल सकती है। अभी फिलहाल उसका निर्णय होना बाकी है। पर क्विंटल 30 रुपये और 15 रुपये चालू खरीदी में हुंडी निकालते वक्त तो उनको दे दिए जाते हैं और बाकी बाद में दी। बारदाना तो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से टेंडर होता है, नया बारदाना हो या पुराना बारदाना वंशियों से, तो अभी टेंडर की प्रोसेस चालू है। मेरे ख्याल से अभी 2-4-5 दिन में बारदाना पूरा हो जाएगा, तो ये सभी सेंटरों पर बारदाना पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा जी, टेंडर प्रोसेस होने। तो सर अभी जो खरीदी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? और किसानों की तरफ से अगर बारदाने की शॉर्टेज सेंटर पे जाती है तो किसानों की तरफ से 15 रुपये पर बारदाना खरीदने की मंजूरी भी मिल सकती है।
किसानों के धान खरीदी सेंटर का जगह का नजारा कुछ और ही था, जिसमें किसानों को सरकारी यंत्रणा लूट रही है। ऐसे मुद्दों पर नाना पटोले की चुप्पी चर्चा का विषय है। भूमिपुत्र की उपाधि लेकर नाना पटोले किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन सही मायने में भूमिपुत्र है। किसानों की बात करना आसान है, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाना काफी मुश्किल है। किसानों का मुद्दा देश की राजनीति का मुद्दा है, लेकिन उसे हल करने वाला आज तक कोई भी भूमिपुत्र नहीं हो पाया है।